नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, अभी अभी एक बेहद बड़ी खबर आई है। देश में एक बेहद बड़ा हादसा हुआ है, बेहद ही भयंकर घटना हो गई है दोस्तों। यहाँ पर बेहद बड़ी ताजा अपडेट निकल कर आ रही है। साथ ही में संपूर्ण देश में ई श्रम कार्ड धारकों के लिए फिर से आई बड़ी खुशखबरी। ई श्रम खाता धारकों के खाते में आने वाले हैं फिर से 5,000 रुपए। आप भी कर लें चेक, फिर से मिली बड़ी खुशखबरी। केवल इन रजिस्टर्ड अकाउंट्स में ही सरकार डालेगी पैसे। और इसी के साथ अब अगले महीने एक साथ 3 महीनों का सरकार देने जा रही है मुफ्त में राशन। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। वहीं इसी के साथ मुफ्त में मिलेगी बिजली, सरकार ने शुरू की है योजना। 200 यूनिट तक नहीं देना होगा एक भी रुपए का बिल। चल रही है सब्सिडी योजना, फटाफट से स्टेप बाय स्टेप जान लें कैसे आप भी ले सकते हैं इसका फायदा। इसी के साथ देश के इन 5 राज्यों के लोगों के लिए बेहद बड़ी चेतावनी। यहाँ यहाँ बिक रहा है खाने का सरसों का तेल नकली, आप भी रहें सावधान वरना हो सकते हैं बीमार। साथ ही में आज संपूर्ण देश में टीवी पर लाइव आकर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से संपूर्ण देश में इन 3 चीजों को मुख्य रूप से आज रात से कर दिया जाएगा बंद। देश की आम जनता नहीं कर पाएगी इनका इस्तेमाल। साथ ही में लागू हो जाएंगे ये 8 नए नियम, देशवासियों को लगेगा बड़ा झटका। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हां भाइयों बहनों, आज संपूर्ण देश से मुख्य समाचार ताजा हेडलाइंस निकल कर आ रहे हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान योजना के तहत आई बेहद बड़ी खबर। अब इन किसानों के सरकार कराएगी जांच, तभी मिलेंगे 2,000 रुपए की 12वीं किस्त। 21 लाख किसानों पर सरकार की है पैनी नजर। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने इन 21 लाख किसानों की सूची जारी कर दी है। कहीं आप भी तो फर्जी नहीं है, देख लें आपका लिस्ट में नाम तो नहीं है कहीं। दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार का कहना है सबसे पहले यहाँ पर इन किसानों की यहाँ पर जांच कराई जाएगी, सत्यापन होगा तभी इनको 12वीं किस्त के 2,000 रुपए दिए जाएंगे। तो आखिरकार कब किस प्रकार से आप लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, सूची में चेक कर लें नाम, और किस दिन सरकार ये पैसे यहाँ पर आपके खाते में भेजने वाली है, इसको लेकर ताज़ा अपडेट है ये थोड़ी देर में बताएंगे। इसी के साथ अब घर बैठे ही मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने किया है ये बड़ा ऐलान। नहीं लगाने होंगे आरटीओ ऑफिस के चक्कर। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर 2 पहिए चलाते होंगे तो आपको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डर सताता होगा कि कहीं ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से आपका चालान न कट जाए। ऐसे में अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, इसको लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो किस प्रकार से घर बैठे आप क्या पूरा प्रोसेस है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, इसकी जानेंगे पूरी खबर। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब अगले महीने एक साथ 3 महीनों का बटेगा राशन, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा फ्री में, देना होगा पैसा। तो दोस्तों देश के गरीबों को बड़ा झटका लगा है, सरकार ने फ्री में मिलने वाले राशन को कर दिया है बंद। अब यहां के लोगों को फ्री में नहीं मिलेगा राशन, देना होगा इतना रुपए तभी मिलेगा राशन। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो मात्र 10 रुपए में मिल रहे हैं 2 LED बल्ब। उजाला योजना के तहत फटाफट से कराएं पंजीकरण, आपको भी मिलेगी बिजली की सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर मात्र 10 रुपए में 2 LED बल्ब खरीदना चाहते हैं उजाला कंपनी के, तो आपके लिए यहाँ पर बड़ा ऑफर निकल कर आ चुका है। यहाँ पर सरकार ने एक योजना चला रही है जिसमें आप भी यदि पंजीकरण करवा लेते हैं तो घर बैठे ही आपको 10 रुपए में 2 LED बल्ब उजाला कंपनी के मिल सकते हैं। तो किस प्रकार से इसे यहाँ पर आवेदन करना है, पंजीकरण कराना है, अभी जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। वहीं नवरात्र से पहले सस्ता हो गया सोना और चांदी, 1522 रुपए तक गिर गए गोल्ड के दाम। चेक करें आपके शहर के ताजा रेट। तो दोस्तों सोने और चांदी की ताजा कीमतें में भी आपको बताई जाएंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन 5 राज्यों के लोग रहे सावधान, जब्त हुआ है नकली खाने का मिलावटी तेल। अगर आप भी कर रहे हैं इस्तेमाल तो अब हो सकते हैं बीमार। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी एक बेहद बड़ा खुलासा हुआ है, देश की इन 5 राज्यों में नकली खाने का मिलावटी तेल प्राप्त हुआ है। तो कौन से वो 5 राज्य हैं, कहीं आप भी तो यहाँ पर नकली मिलावटी खाने का सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसकी बताएंगे आपको पूरी जानकारी। तो दोस्तों चलिए संपूर्ण खबरों की जानकारियां जानते हैं, उससे पहले निवेदन करेंगे आपसे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो नीचे लाल बटन को अवश्य ही दबा लीजिएगा। साथ ही में दोस्तों आप यदि हमारी इस रोजाना ताज़ा अपडेट्स, ताज़ा मुख्य समाचारों की खबरें पाता रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर बेल की घंटी को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना है। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी सबसे पहली और बड़ी खबर की। तो सरकार का बड़ा फैसला, दीपावली से पहले ही लगा दिया पटाखे जलाने पर रोक।
नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, सरकार का प्रदूषण पर बड़ा फैसला लिया गया है। एक बार फिर से दीपावली आने से पहले ही पटाखों पर संपूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक के लिए पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें, राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में पटाखों के उत्पादन पर, बिक्री पर, भंडारण पर और इस्तेमाल करने पर भी संपूर्ण रोक लागू रहेगी। और वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बैठे कराएं रजिस्ट्रेशन। सरकार दे रही है 0 से लेकर 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली। फटाफट से उठा लें सब्सिडी योजना का फायदा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना बिजली का बिल माफ करवाना चाहते हैं या फिर फ्री में बिजली लेना चाहते हैं, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या फिर गरीब व्यक्ति हैं, आप अपना बिजली का बिल प्रति माह नहीं जमा कर पाते हैं, तो सरकार आपको बड़ी छूट देने वाली है। सब्सिडी दे रही है सरकार, नहीं देना होगा एक भी रुपए का बिजली का बिल, 0 आएगा हर महीने बिजली का बिल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में 1 अक्टूबर से अब यहाँ पर सरकार ने कहा है कि बिजली की अगर आप भी सब्सिडी लेना चाहते हैं, छूट लेना चाहते हैं बिजली का बिल यहाँ पर फ्री में, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी मिले बिजली फ्री में, तो सीएम केजरीवाल की ओर से एक ऐलान किया गया है। दरअसल यहाँ पर सरकार की ओर से सब्सिडी योजना दिल्ली वालों की चलाई जा रही है, जिसमें अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कर देते हैं तो आपको भी 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री में बिजली दी जाएगी। यानी कि आपको 0 बिल यहाँ पर आएगा हर महीने, एक भी रुपए का बिजली का बिल नहीं जमा करना पड़ेगा। यही नहीं, अगर आप 200 यूनिट से ऊपर खर्च करते हैं 400 यूनिट तक, तो आपको मात्र आधा बिल ही देना होगा। फटाफट से इस योजना में आवेदन करवा लीजिए। तो दोस्तों इसी बीच कमेंट करके जरूर बताइएगा दिल्ली के आप निवासी हैं या फिर किसी अन्य राज्य के, फटाफट से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वहीं ई श्रम कार्ड खाता धारकों के खाते में फिर से आएंगे 500-500 रुपए। अभी चेक कर लें अपना नाम, रजिस्टर्ड ही किसानों को सिर्फ मिलेगा फायदा। जी हाँ, अगर आप किसान हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं या फिर अगर आप यहाँ पर महिला हैं और अगर आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवाया हुआ है, तो अब आपको यहाँ पर ई श्रम कार्ड योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को सरकार फिर से 500-500 रुपए की किस्त डालने वाली है। दोस्तों ये जो है किस्त दूसरी आने वाली है और ये जो है बड़ा ऐलान भी हो चुका है। हालांकि अभी तक कई लोगों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है, लेकिन आने वाले दिनों में बताया जा रहा है 500 रुपए की ये किस्त भी आ जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फटाफट से अपना खाता जरूर चेक कर लेना है या फिर ऑनलाइन भी इसकी आप चेकिंग करा सकते हैं। अगर ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो कमेंट करिएगा जरूर आपको पैसा पहुंचा है या नहीं। और इसी के साथ अब अगले महीने एक साथ 3 महीनों का मिलेगा राशन, लेकिन इस बार देना होगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, इस माह दोनों योजनाओं में 3 बार बम्पर राशन का वितरण सरकार करने वाली है। बता दी जाए कि सरकार यानी कि मोदी सरकार की ओर से गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 माह का राशन यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत देने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर अगस्त से 3 महीने तक का यहाँ पर राशन, सितम्बर महीने में या फिर कहें अक्टूबर महीने में 3 महीनों का राशन एक साथ देने वाली है सरकार। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दी जाए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि फिलहाल आपको यहाँ पर मुफ्त में राशन नहीं मिलने वाला है, अब आपको उत्तर प्रदेश में राशन लेने के लिए पैसे पहले के जैसे ही देने होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, वोट नहीं देने वालों के खाते से कटेंगे पैसे, 350 रुपए का हो जाए नुकसान, वोट नहीं डालते हैं तो हो जाए सावधान। जी हाँ दोस्तों, वोट नहीं डालने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। अगर आप भी वोट नहीं डालते हैं तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि अब आपके भी बैंक खाते से ऑटोमेटिक ही पैसे कट जाएंगे अगर आप वोट नहीं डालेंगे। दोस्तों सोशल मीडिया के इस जमाने में सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि वोट नहीं देने वालों के खाते से 350 रुपए कट जाएंगे। दोस्तों ये जो खबर है लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ पर फैली थी उस समय, और अब फिर से फैल रही है, जिसमें यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि फिलहाल इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो है नियम नहीं है कि जो लोग वोट नहीं डालेंगे उनको यहाँ पर पैसा देना होगा। आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप वोट डालते हैं तो भी ठीक है, नहीं डालते हैं तो भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपका अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है। अगर आप चाहें तो वोट डाल सकते हैं, नहीं डालते हैं तो कोई भी बात नहीं है, आपके बैंक खाते से 350 रुपए नहीं कटेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, नवरात्र से पहले सस्ता हो गया है सोना और चांदी, 1522 रुपए तक गिर गए हैं गोल्ड के दाम। जी हाँ दोस्तों, सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। नवरात्रि से पहले सोने और चांदी की रेट में बड़ी गिरावट आई है। दरअसल दोस्तों भारतीय सर्राफा बाजार में इस कारोबारी सप्ताह में सोने और चांदी के दाम जो है टूट गए हैं। पिछले एक सप्ताह में 24 कैरेट का गोल्ड 1522 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमतों में 793 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गिरावट आई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मात्र 10 रुपए में 2 LED बल्ब, फटाफट से उठा लें फायदा, उजाला योजना के तहत ले सकते हैं लाभ। जी हाँ दोस्तों, बिजली की सब्सिडी लेने के लिए पंजीकरण कराने की बाध्यता की घोषणा तुरंत ही यहाँ पर जो सरकार की ओर से कर दी गई है। अगर आप भी अपना बिजली का बिल बचाना चाहते हैं, कम बिजली खर्च करना चाहते हैं, तो अब आपको यहाँ पर ऐसे बिजली के बिल
ऐसे यहाँ पर बल्ब की आवश्यकता है जिनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपका जो बिजली का बिल है हर महीने वो बेहद ही कम आएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो LED बल्ब होते हैं ये मात्र 5, 10 या फिर 15 वाट तक के ही होते हैं और इनका जो बिजली का कंजप्शन होता है, खपत होती है, वो बेहद ही कम होती है। ऐसे में आप भी उजाला की ये जो बल्ब हैं ये खरीद सकते हैं और ये बेहद ही सस्ते में पड़ सकते हैं। यही नहीं, दिल्ली सरकार की ओर से उजाला योजना के तहत दिल्ली वासियों को 10 रुपये में 2 LED बल्ब भी दिए जा रहे हैं, तो आप भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो ही आपको ये फ़ायदा मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, रहें सावधान, खाने का सरसों का तेल इन राज्यों में बिक रहा है नकली, हो सकते हैं कई गंभीर बीमारियों का शिकार। जी हां दोस्तों, आपके लिए यहां पर बेहद बड़ी खबर आई है। अभी अभी इन 5 राज्यों में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जब्त हुआ है 27,500 लीटर मिलावटी नकली खाने का तेल। दोस्तों आपको बता दी जाए कि यहाँ पर देश के 5 राज्यों में यहाँ पर नकली मिलावटी खाने का तेल प्राप्त हुआ है। इसके चलते आप यदि इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं ये नकली तेल, तो अब आप भी कई खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। दरअसल बता दें, ये चौंकाने वाला खुलासा इन 5 राज्यों में हुआ है। सबसे ज़्यादा नकली खाने का तेल उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये नकली मिलावटी खाने का तेल जब्त किया गया है। बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिला है ये नकली खाने का तेल, तो उत्तर प्रदेश में। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो 5 राज्यों के जो लोग हैं वो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नकली मिलावटी खाने का तेल कई ऐसे गिरोह हैं जिनकी ओर से मार्केट में बेचा जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, जी हाँ, अब घर बैठे मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। तो चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो अब मिल जाएगा घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस। सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, नहीं लगाने होंगे RTO ऑफिस के चक्कर। जी हाँ दोस्तों, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो अब आपके लिए बेहद ही बड़ी खबर आई है, जिसमें सरकार अब आपको काफ़ी बड़ी सुविधा देने वाली है। अब आप घर बैठे ही यहाँ पर बिना RTO ऑफिस जाए, बार बार चक्कर लगाए, घर बैठे ही अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, इन सभी सुविधाओं को अप्लाई करने के लिए अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागरिकों को उनके मोबाइल फ़ोन पर ही देने का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, यहाँ पर आपकी जो भी RTO ऑफिस से जुड़ी करीबन 58 ऐसी सेवाएँ हैं जिनको ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी कि इन सभी को कराने के लिए अब आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आप ऑनलाइन अपने घर बैठे मोबाइल के जरिए ही इनका इस्तेमाल करते हुए लाइसेंस बनवा सकते हैं। कोई अपडेट करवाना चाहते हैं, एड्रेस बदलवाना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, RC में कोई गड़बड़ी है उसे ठीक करवाना चाहते हैं, हर एक चीज़ अब आप यहाँ पर घर बैठे ही कर सकते हैं और ये सुविधा आपके लिए शुरू कर दी गई है।